अब हमारे सामने क्लास एट का पेपर आ गया है, ठीक है, जो 7 जनवरी को हुआ था, पेपर 1 IQ का। इसको एक बार देखते हैं, इस पेपर में क्या क्या आया था। इसके अंदर कितने सेक्शंस हैं? 1, 2, 3, 3 सेक्शंस हैं IQ के। और वही है कि अगर आप सही करेंगे तो +3 मार्क्स, गलत करेंगे तो -1 मार्क्स। तो इसमें पहला पार्ट NTSC है, JEE मेंस है और JEE एडवांस है, ठीक है। और इसमें देखते हैं क्या क्या आया था। तो पहला सेक्शन हमारा 20 मिनट्स का है। तो पहला पेपर हम लोग देखते हैं क्या क्या आया है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। यहाँ पे आपको सीरीज बेस्ड क्वेश्चन आया है। विच नंबर कैन बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये भी एक रेशियो पे ही है। द सेट सिंबल इज सेटिस्फाई द इक्वेशन, यहाँ पे एक सिंबल पे बेस्ड है जो इस पे रख के देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इन ए सर्टेन कोडेड लैंग्वेज इट रेड मीन्स ग्रीन, ये आपकी कोड लैंग्वेज पे रेड को ग्रीन और ग्रीन को ब्लू रख के देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ड ट्रांसमिशन आर अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, ट्रांसमिशन को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखेंगे तो क्या देखते हैं। संजय इज़ 14th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में देख रहे हैं ए पॉइंटिंग टूवर्ड्स पिक्चर। क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में ईस्ट वेस्ट पे बेस्ड, डायरेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन आया है। अब इधर देखते हैं, यहाँ पे एक कॉम्प्रिहेंशन पूछा गया है डेज पे, ठीक है, ट्यूसडे मंडे कंपनीज मीटिंग इन जी हाफ अबव। यहाँ पे अब पूरा 5 कंपनियाँ हैं, मीटिंग हो रही है 5 अलग अलग डेज पे, ठीक है। सेकंड कॉम्प्रिहेंशन भी देखते हैं, एक फैमिली मेम्बर 6 है, ये मतलब ये रिलेशन पे बेस्ड है, ठीक है, 13, 14, 15 रिलेशन बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन है। नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हमारा है 30 मिनट्स का टाइम। नेक्स्ट सेक्शन पे क्वेश्चन नंबर 16, तमिल तेलुगु, हाँ ये एक आ गया है वेन डायग्राम पे बेस्ड। मिसिंग टर्म्स हमें यहाँ फिर पता करने हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, हाँ पेपर थोड़ा अच्छा है, 20 तक हो गया। फिर 21, 22, 23 एंड 24 भी क्वेश्चन अच्छे हैं, चल रहे हैं। यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन 1 फिर से दे दिया गया है। फिर ये कॉम्प्रिहेंशन 2 भी दे दिया गया है। देखते हैं क्या आया है। यहाँ पे 27 उसी कॉम्प्रिहेंशन पे ही क्वेश्चंस हैं। अब सेक्शन सी में देखते हैं। सेक्शन सी 30 मिनट्स का है, इसमें देख रहे हैं कितना होता है, 31 डेज पे है लेफ्ट, ठीक है, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, ठीक है। इधर देखते हैं, यहाँ कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन पे आपके 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 40, 41 एंड 42। फिर कॉम्प्रिहेंशन 2 में भी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 43, 44 एंड 45, ठीक है। तो ये पेपर 1 हमारा पूरा फिनिश हो गया। पेपर 2 में देखते हैं क्या आ रहा है। पेपर 2 को अब पेपर 2 में क्या है, 90 मिनट्स का है, 188 मार्क्स का है। यहाँ पे देखते हैं, इसके भी 3 सेक्शंस हैं। अगर आप सही कर रहे हैं तो यहाँ पहले वाले सेक्शन में +4 हैं, फिर उसके बाद देखेंगे +1, +1 है, और फिर पहले वाले जो +4 है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि -1 भी है, बाकी में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक। सेक्शन 1 यानी कि अच्छा होगा, ताकि इसमें +4 मार्किंग। तो देखते हैं सेक्शन 1 हमारा क्या है। विच इज़ द फॉलोइंग ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स,
ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल सही है ये पेपर। मैच ऑफ द फॉलोइंग है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कॉम्प्रिहेंशन है, फिर उस पे बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। 7, 8 स्टेटमेंट बेस्ड है, स्टेटमेंट में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही है नहीं। 7, 8 थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं। केमिस्ट्री में देखते हैं इधर, 9, ठीक है, फिर इधर ये एक कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। देखते हैं 10 में क्या आया। ये हमारा 10, 11 मैच ऑफ द फॉलोइंग है, 12th भी मैच ऑफ द फॉलोइंग है, 13 भी आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है, एंड 14 भी आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है, ठीक है। इधर देखते हैं 15 और 16, 15, 16 भी अच्छे क्वेश्चंस हैं। बायोलॉजी 17, 18 एंड 19, ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस चल रहे हैं अभी भी। 20, 21, 22, ये भी सही क्वेश्चन है। अभी तक ऐसा कोई टफ क्वेश्चन तो अभी नहीं लग रहा है जो बहुत ज़्यादा टफ लग रहा हो, ठीक है। 8th के हिसाब से अभी भी ये सही चल रहा है, मतलब अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये पेपर अच्छा है। यहाँ पे इस पेपर में देख रहे हैं 26, 27, 27। अब जैसे ये नाम है, इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ये नाम आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे। 28, 29, क्योंकि जनरली आप नहीं दिखते हैं बुक्स में। 29 फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स है यहाँ पे, विडाल टेस्ट है, ठीक है, बिल्कुल सही है। 31 एनर्जी फ्लो डायग्राम है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सही है। 32 हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा सेक्शन 2 30 मिनट्स का आ गया है। सेक्शन टू में देखते हैं क्या क्या आ रहा है। 33 क्वेश्चन है, 33 से लेके 37, ये फिजिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। केमिस्ट्री में देखते हैं, केमिस्ट्री में 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन आए हैं। फिर इधर ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, सही हैं, मेरे ख्याल से हो जाने चाहिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं लग रही है। फिर इधर देखते हैं, इधर बायोलॉजी पे भी आपके 5 क्वेश्चन हैं, और ये भी 5 क्वेश्चन सही हैं, द एनिमल, हाँ ये भी है, ये भी सारे सही क्वेश्चंस हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं लग रही है। 48, 49, 50 ये भी आप लोग को मेरे ख्याल से हो जाने चाहिए पार्टी के। नेक्स्ट देखते हैं क्या आ रहा है। ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जैसे अभी हम लोग ने पहले भी देखा था, ये भी वही है। हाँ क्वेश्चन ऑलमोस्ट पैटर्न का वही है जैसे हम लोग के पिछले पेपर में था, पैटर्न अच्छा है। यहाँ पे फिर ये 5 क्वेश्चन इन्होंने दे दिए हैं, ये भी सही चल रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे भी आपके 5, 1, 2, 3, 5 क्वेश्चंस हैं, 62 तक सही है। अब इसके बाद देखते हैं पैटर्न पेपर सेक्शन 3 30 मिनट्स का टाइम है, इसमें देख रहे हैं। सिक्सटी थ्री से देखते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूरा मैथमेटिक्स बेस्ड है, पार्ट ए, सही क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे 66 से देखते हैं, ये भी सही हैं। एक्सपोनेंशियल पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 70, ये भी सही है। 71 ये भी सही है, मतलब ये वाला पार्ट
पेपर टू थोड़ा सा इजी ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 72 से 74, 75, हाँ ये सब बिल्कुल सही है, सारे क्वेश्चन एकदम सही है, बिल्कुल वैसी है जैसे पेपर हमारा इनका फर्स्ट था, 78, 79, हाँ ऑलमोस्ट वही है। ठीक है, इसके बाद अभी और है लेकिन पेपर तो बहुत लेंदी है, टाइम कम पड़ जाएगा अगर इतने ज़्यादा क्वेश्चंस रहे तो। ठीक है, बहुत तेज़ आपको फास्ट काम करना पड़ेगा, ये भी क्वेश्चंस सब सही चल रहे हैं, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। द लार्जेस्ट नंबर अमंग द फॉलोइंग, ये आपको देखना पड़ेगा, पी हाँ ये सारे आइडेंटिटी बेस्ड नॉर्मल क्वेश्चन है, 88, 89 सही है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तीन क्वेश्चन है लास्ट, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, हाँ ये आप निकालेंगे, 91 एंड 92, ये भी सही है। ये पेपर टू हमने देख लिया, पेपर थ्री में देखते हैं, पेपर थ्री हो सकता है कि पेपर थ्री इनका टफ हो। ठीक है, क्लास एट का पेपर थ्री, 90 मिनट्स हैं, 120 मार्क्स का है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिर ये तीन सेक्शंस में डिवाइडेड है, 1, 2, 3। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक, प्लस 3 मार्किंग है, प्लस 4 मार्किंग है, प्लस 3 मार्किंग है, फिर सभी में यहाँ पे पूरी -1 मार्किंग है, यानी कि ये पेपर थोड़ा टिपिकल हो सकता है, सेक्शन 1, 30 मिनट्स। इसको देखते हैं यहाँ पे क्या है, ये कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना ज़रूरत पड़ेगी, ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन जो है, हाँ ये सर्किट भी थोड़ा सा सीरीज पैरेलल है, ये अभी पता नहीं आपने सही से पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, तो ये हो भी सकता है। हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक, हाँ ये आपने ये सब हाइड्रोकार्बन्स के इक्वेशंस नहीं पढ़े होंगे, फार्मूला एल्केन एल्काइंस का, ये नहीं, ये ज़्यादा एडवांस हो गया। पॉलीमराइजेशन ये तो कर सकते हैं, बायोलॉजी में प्राइमरी एडवांटेज ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, द सिग्नल ऑफ द मिटोसिस मिटोटिक डिवीजन, ये इसमें दिक्कत आ सकती है। प्रोकैरियोटिक, इसमें भी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, बायो वाला पार्ट भी थोड़ा सा टफ ही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेक्शन टू पे, सेक्शन टू पे देखते हैं क्या है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, फिजिक्स के कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कठिन है, ये इसको करना थोड़ा सा मुश्किल आएगा। इसमें भी पावर डिलीवर करी गई है, तो ये आप वैसे ही सर्किट में और थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है, तो ये भी मेरे ख्याल से थोड़ा एडवांस लेवल पे चला गया है क्वेश्चन। ठीक है, केमिस्ट्री के भी, हाँ ये भी थोड़ा सा एडवांस लेवल पे है, ये पूरा ही पेपर एडवांस पे ज़्यादा है। कॉम्प्रिहेंशन थ्री पे देखेंगे तो ये भी एडवांस है। यहाँ पे आप मैथ्स को देखते हैं, मैथ्स में 21, 22, ये हो सकता है, ये हो सकता है थोड़ा सा, 23 क्वेश्चन ये हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम सेक्शन थ्री की बात करें, यहाँ पे 30 मिनट्स है, फिर एक इन्होंने कॉम्प्रिहेंशन दे दिया है, ठीक है 25, लेकिन सर्किट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दे दिया है, थोड़ा सा दिक्कत आएगी यहाँ पे सॉल्व करने में। कॉम्प्रिहेंशन टू, ये भी आपका फोर्स पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ गया है, इक्वेशन केमिस्ट्री में इक्वेशन शायद आप लोग ने अभी ज़्यादा नहीं पढ़ी होंगी, तो ये इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। कॉम्प्रिहेंशन टू में देखते हैं, कॉम्प्रिहेंशन टू में 2 क्वेश्चन है, वाइट वॉश कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फर्नेस है, इसको लिए थोड़ा सा आपको थोड़ा सा एक क्लास आगे का मैटर पढ़ना पड़ेगा, तो आपको ये करने में सही लगेगा। यहाँ पे आपको एक कॉम्प्रिहेंशन या एक आइडेंटिटी ऑलरेडी दे दी गई है,
ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन, फिर उसी आइडेंटिटी पे बेस, ये सब 9th के ही क्वेश्चंस हैं एज इट इज़, ठीक है, जो अभी आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। 9th की रेफरेंस बुक से ही आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको एक अच्छी रेफरेंस बुक को फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज़ उससे भी ये करने में दिक्कत आ सकती है। तो इसमें इतने ही क्वेश्चन थे, नेक्स्ट पे देखते हैं क्या है। पेपर 4 को एक बार और देख लेते हैं, पेपर 4 में क्या आया है। पेपर 4 जो है 100 मिनट्स का टाइम है और 102 मार्क्स का है, ठीक है। इसमें देखते हैं, इसमें भी 3 पार्ट्स हैं, सेक्शन 1, 2 एंड 3, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, यानी कि इसमें मैथ्स ज़्यादा है और पूरे ही पार्ट में -1 मार्किंग है। सेक्शन 1 को एक बार देख लेते हैं कि क्या दे रखा है। फिजिक्स में पहला पार्ट फिजिक्स है, मेटल प्लेट्स हैं, फिजिक्स के ग्राफ पे क्वेश्चन है, वाटर ड्रॉप्स हैं, ये सारे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, सब एडवांस लेवल के ही क्वेश्चंस हैं, इतना आसान नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो बनाए थे उस जैसा थोड़ा बहुत मिल रहा है, जैसे एक्सलेशन भी मैंने बता दिया था। इस पूरे पेपर को आप अगर अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो आप, मतलब अगर जो कर लेता है तो उसका मेरे ख्याल से बच्चा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी उसकी अगर इतना क्वेश्चंस आप कर लेते हैं तो। 9, 10, 11, 12 ये क्वेश्चन भी अच्छे हैं, सारे ही एडवांस हैं। पार्ट टू का केमिस्ट्री हम देख रहे हैं, पार्ट टू में केमिस्ट्री में क्वेश्चन आए हुए हैं, जर्मन सिल्वर इज अलॉय, बिल्कुल वही है सब, मैं मैंने ऑलरेडी वीडियो में आप लोग को डिस्कस कर लिए थे, और काफ़ी कुछ क्वेश्चंस वैसे ही हैं, काफ़ी आपको इसमें से हेल्प मिल गई होगी। 23, 4 में देखते हैं, सेक्शन 3 में क्या क्या है। सेक्शन 3 में मैथ्स है, 25th डिजिट ऑफ द डेसिमल पॉइंट ऑफ दिस, हाँ ये बहुत कठिन है, ये सब 9th, अच्छे ओलंपियाड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ये सब करने में, हाँ ये सब क्वेश्चंस अच्छे हैं, ये सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, ठीक है। तो पेपर हमारा 4 फिनिश हो गया।